नमस्कार दोस्तों, द आयुष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय अवेयरनेस के कॉन्फिडो टेबलेट और स्पीमन टेबलेट के बीच में मुख्य अंतर के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उनको इन दोनों में से कौन सी टेबलेट को कौन से रोगों में लेना चाहिए, और इसी कन्फ्यूजन के चलते उनकी प्रॉब्लम होती है, वो ठीक नहीं हो पाती है। हमने पहले भी इस चैनल पर कॉन्फिडो टेबलेट और स्पीमन टेबलेट के बारे में सेपरेट से चर्चा की है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन दोनों का आपस में कंपेरिजन करेंगे और ये जानेंगे कि इन दोनों को कब और कैसे लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हिमालय की कॉन्फिडो टेबलेट के बारे में। हिमालय कॉन्फिडो टेबलेट को बनाने में वृद्ध दारू, गोक्सुरा, जीवंती, सेलियम, अश्वगंधा, कोकिलाक्षा, वन्य काहू, कपिकचू और स्वर्णवंग का प्रयोग होता है। कॉन्फिडो टेबलेट केमिकल फ्री होता है। इसमें केवल आयुर्वेद की फेमस जड़ी बूटियाँ ही ऐड की जाती है। अब बात करते हैं कि कॉन्फिडो टेबलेट को कौन कौन से लोग कौन कौन से रोगों में ले सकते हैं। तो दोस्तों, कॉन्फिडो टेबलेट को केवल 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को लेना चाहिए जिनमें अधिक हस्त मैथुन या मास्टाब्रेशन के कारण शीघ्र पतन या प्री मैचुर इजाकुलेशन हो एवं नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जिन युवाओं में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या स्तंभन दोष जैसी समस्याएं हो, वो भी कॉन्फिडो टेबलेट को ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में धातु का गिरना जैसी प्रॉब्लम हो, वो भी डॉक्टर की सलाह पर कॉन्फिडो टेबलेट का यूज कर सकते हैं। कॉन्फिडो टेबलेट को मेरिड या अनमेरिड 18 साल से एक अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिनको उपरोक्त बताई गई ये सारी की सारी दिक्कतें होती है। इसको लेने के लिए अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इसकी डोज लेनी चाहिए। अब बात करते हैं स्पीमन टेबलेट के बारे में। हिमालय कंपनी ने स्पीमन टेबलेट को बनाने के लिए इसमें वृद्ध दारू, सेलियम, जीवंती, गोक्सुर, अश्वगंधा, कपिकचू, वन्य काहू और स्वर्णवंग को मिलाया है। अब बात करते हैं स्पीमन टेबलेट को कौन कौन से लोग कौन कौन से रोगों में ले सकते हैं। स्पीमन टेबलेट को उन 18 साल से अधिक उम्र के विवाहित युवकों को लेना चाहिए जिनके सीमन या वीर्य में शुक्राणुओं को लेकर प्रॉब्लम होती है। इस टेबलेट को उन युवाओं को लेना चाहिए जिनके वीर्य में शुक्राणु कम हो, ऐसा माने शुक्राणु हो, शुक्राणुओं की गतिशीलता कम हो, या उनकी जो मोटालिटी हो वो अबनॉर्मल होती है, या ऐसा माने होती है जिसके कारण से उनमें बांझपन जैसी दिक्कतें हो जाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडो और स्पीमन टेबलेट को एक साथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको ये दवाई खुद से लेने से भी बचना चाहिए। इन दवाओं को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की हिमालय की कॉन्फिडो और स्पीमन टेबलेट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।